Hello everybody, welcome to class first. How are you? I hope you are fine. Today's topic is comparison of number. It means दो नंबर के बीच में comparison करना कि ये नंबर हमारा छोटा है या बड़ा है, यानी greater than और less than. ये जो हमारा साइन है वो greater than का साइन है और ये वाला जो है लेस देन का साइन है, और जो यहाँ पे थर्ड जो साइन बना रखा है वो इक्वल का साइन है. इट मीन्स बोथ आर नंबर इक्वल. तो इस साइन को हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये एक हमारे डक का मुंह है. किसका? डक का. तो जिस साइड नंबर बड़ा होगा, जिधर नंबर बड़ा होगा उधर ये डक अपना मुंह खोलेगी, और जिस साइड में छोटा नंबर होगा उस साइड वो अपनी पूंछ कर लेगी. समझेंगे इसको कैसे. यहाँ पे हमारे सामने दो नंबर दे रखे हैं, 6 and 12. 6 नंबर और 12 नंबर. अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? जो नंबर बड़ा है उधर हमारा डक का मुंह ओपन हो जाएगा. इट मीन्स 12 जो है वो 6 से बड़ा है. यानी बड़ा और छोटा कैसे पता चलेगा? जो काउंटिंग में पहले आता है वो छोटा नंबर, और जो काउंटिंग में बाद में आता है वो बड़ा नंबर. नेक्स्ट उस पे आते हैं. यहाँ पे जो दो नंबर दे रखे हैं 20 और 13, इन दोनों के अंदर कंपेयर करेंगे तो 13 काउंटिंग में पहले आ जाता है और 20 बाद में आता है. तो ये नंबर 20 बड़ा हुआ, इट मीन्स हमारी डक का मुंह 20 की तरफ ओपन हो जाएगा. अब नेक्स्ट आ गया, इधर भी 7 है और इधर भी 7 है. दोनों नंबर क्या है? इक्वल है. ये साइन जो है इक्वल का साइन है, यानी दोनों तरफ नंबर बराबर है. नेक्स्ट है 18 और 10. इनके अंदर हम देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है. 10 जो है वो हमें पता है छोटा नंबर है क्योंकि काउंटिंग में पहले आता है, और 18 बाद में. तो ये हमारा 18 बड़ा नंबर, डक का मुंह 18 की तरफ. ऐसे ही 11 और 9 के अंदर भी 11 बड़ा है, उधर ओपन हो जाएगा. तो हमने देखा ग्रेटर देन और लेस देन, यानी जिधर डक अपना मुंह खोलती है उधर नंबर बड़ा होता है, या जिधर नंबर बड़ा होगा उधर डक का मुंह ओपन होगा, और जिधर नंबर छोटा होगा उधर उसका क्लोज होगा. ठीक है. और जिधर दोनों इक्वल है वहां पे इक्वल का साइन, बराबर. ये आपको होमवर्क दे रहे हैं. इसके अंदर आपको देखना है कि किधर साइन जो है बड़े का आएगा, किधर छोटे का आएगा, किधर इक्वल का आएगा. और इसके अंदर आपको देखना है सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर. ये आपको 4 दे रखे हैं यहाँ पे. इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है 5, 3, 11 और 6, जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें आपको सर्कल करना है. तो इसमें देखो एक एग्जांपल करके देख लेते हैं अपन. 11 सबसे बड़ा कौन सा नंबर है इन चारों नंबर में से? 11. ऐसे ही आपको 6, 1, 2, 8 में देखना है, फिर उसके बाद इसमें देखना है. और नेक्स्ट है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, और इसके अंदर आपको क्या देखना है? सबसे छोटा जो नंबर है उस पर आपको सर्कल करना है. यहाँ पे देखो 16, 7, 6 और 8 में सबसे छोटा है 6. नेक्स्ट इसके अंदर, उसके अंदर आपको चेक करके सबसे छोटे नंबर पे आपको सर्कल करना है. ओके.